हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हिमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट और उसका 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज। ये चैप्टर बेस्ड है एयरफोर्स मार्शल अरजान सिंह के ऊपर। इनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है इस चैप्टर में, किस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और किस तरह से अलग अलग पड़ाव पे उनको प्रमोशंस मिले, अलग अलग वॉर्स के बाद में उनको प्रमोशंस मिले, कितने एयरक्राफ्ट उन्होंने चलाई है, क्या क्या अचीव किया है उन्होंने अपने लाइफ में, क्या क्या अवार्ड्स उनको मिले हैं, उनका लाइफ हिस्ट्री पूरा सब कुछ इस चैप्टर के अंदर मेंशन है। एयरफोर्स मार्शल अरजान सिंह, तो इस पूरे चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन। इसके जो भी वार्मिंग अप एक्सरसाइज है और वर्कशॉप है वो आप देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है कि प्लीज 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 जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद में भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख सकते हैं आपके डाउट्स, मैं जरूर से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ऑन विंग्स ऑफ करेज। अब ऑन विंग्स ऑफ करेज यहाँ पे क्यों नाम दिया गया है इसके पीछे मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। विंग्स मतलब यहाँ पे जो एयरप्लेन के जो विंग्स होते हैं वो, उसके लिए ये विंग्स कहा गया है क्योंकि ये पूरा जो है इनका जो स्ट्रगल है, जो भी उन्होंने अचीव किया है, जो भी उन्होंने काम किया है, ये पूरा के पूरा एयरफोर्स के अंदर आता है, इसीलिए विंग्स। और करेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काम में करेज बहुत भर भर के लगता है। सो ऑन विंग्स ऑफ करेज, सो एयरफोर्स मार्शल अरजान सिंह एन आइकन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज अ वॉर हीरो who had successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak War। अब ये जो Air Force Marshal अरजान सिंह है ये एक icon है India's military history के। Icon मतलब एक representative, मतलब जिनके तरफ देखा जाता है as a representative कि हाँ ये उस बंदे हैं। तो ये एक इंडिया के मिलिट्री हिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, लोग इनको देखते हैं इंस्पिरेशन भरी नजरों से और ये हमेशा ही याद रखे जाएंगे एज अ वॉर हीरो। मतलब लड़ाई में, एयरफोर्स की जितनी भी लड़ाइयां थी उन सभी में एज अ वॉर हीरो ये याद रखे जाएंगे क्योंकि उन्होंने जो है सक्सेसफुली लीड किया था एक यंग IAF को। IAF का फुल फॉर्म है इंडियन एयरफोर्स और इस IAF को उन्होंने सक्सेसफुली लीड किया था 1965 में जब इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब उन्होंने सक्सेसफुली लीड किया था यंग IAF। यंग IAF इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त ये इंडियन एयरफोर्स की जस्ट नई नई शुरुआत ही हुई थी, ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे और उस वक्त उन्होंने ये रेंस जो है अपने हाथ में ली थी और उन्होंने उसे बहुत आगे तक लेके गए, इसीलिए उन्हें ये याद रखा जाता है एज अ हीरो। और ये इकलौते ऐसे ऑफिसर है, द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाइएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल। ये मार्शल पोस्ट जो है उनको मिला है, हाईएस्ट रैंक कह सकते हैं हम एक एयरफोर्स में, द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू द आर्मीज फाइव स्टार फील्ड मार्शल। और जैसे कि आर्मी है, मिलिट्री है, मिलिट्री में कैसे फाइव स्टार के जो भी फील्ड पे मार्शल होते हैं, बिल्कुल उसी कैटेगरी में एयरफोर्स में हाईएस्ट कैटेगरी है मार्शल। सिंह वॉज अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट। अरजान सिंह की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही फियरलेस थे, यानी कभी किसी चीज से डरते नहीं थे और एक एक्सेप्शनल पायलट थे। एक्सेप्शनल पायलट मतलब उनका कोई मुकाबला ही नहीं था, एकदम हटके थे, सबसे हटके थे। और ये एक ऐसे पायलट थे जिन्होंने 60 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है उड़ाई थी, हु हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। अभी एयरक्राफ्ट भी बहुत, जैसे शुरुआत में एयरक्राफ्ट थे उससे तो आज बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स के साथ में नए नए एयरक्राफ्ट आए हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है नए नए एयरक्राफ्ट आते हैं विद नए फैसिलिटीज और नए नए फाइट करने के जरिए तरीके। तो ये सब एयरक्राफ्ट 60 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट उन्होंने उड़ाई थी और वो बहुत ही फियरलेस थे। तो ये जो क्वालिटीज है ना बच्चों, आपको ध्यान रखनी होगी, ये ना वेब डायग्राम्स जो आते हैं उनके अंदर आपको ये क्वालिटीज फिल करनी पड़ेगी। फियरलेस, एक्सेप्शनल, व्हाट काइंड ऑफ अ पायलट ही वॉज फियरलेस पायलट, एक्सेप्शनल पायलट। ही प्लेड अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द IAF इन टू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एयरफोर्सेज ग्लोबली एंड द फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड।
अरजान सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा है IAF इंडियन एयरफोर्स को ट्रांसफॉर्म करने में इंटू वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट पावरफुल एयरफोर्सेस इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी एयरफोर्सेस है उन सभी में पावरफुल, और ये फोर्थ नंबर पे आता है अपना इंडियन एयरफोर्स पूरे वर्ल्ड में। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स मॉन्यूमेंटल टू द लिस्ट। और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन एयरफोर्स की तरफ, अरजान सिंह का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन एयरफोर्स की तरफ, दैट इज मॉन्यूमेंटल, बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है। द IAF ग्रू विथ हिम। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि IAF और अरजान सिंह दोनों साथ साथ में आगे बढ़े हैं, क्योंकि अरजान सिंह ने भी एक बार जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा था उन्होंने, वो आगे अचीव करते ही गए, नए नए हाइट्स अचीव करते गए। वैसे ही IAF भी उनके साथ साथ बढ़ता गया, ग्रो होता गया। ही वॉज द एपिटोम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप इन क्लासिकल सेंस एंड इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट ही वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ IAF कपिल कक सेड। अब ये कपिल कक जो है फॉर्मर वाइस चीफ IAF का, यानी अभी भी है वो IAF के चीफ, तो उनका ये कहना है कि वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मिलिट्री लीडरशिप के लिए। अगर हम क्लासिकल सेंस में भी बात करें तो भी वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल बैठते हैं मिलिट्री लीडरशिप में, और इसीलिए किसी भी तरह का सरप्राइज की तो बात ही नहीं है, सरप्राइज चौंकने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वर्थ है इस ऑनर के लिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उन्होंने ये ऑनर कमाया है खुद के लिए, और इसी वजह से उनको ये जो रैंक मिला है एयरफोर्स मार्शल का, ये बिल्कुल हक रखते हैं ये ऑनर पाने का। तो ये किसने कहा है? ये खुद IAF चीफ कपिल कक ने कहा है अरजान सिंह के बारे में। सिंह वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002। मतलब ये जो ऑनर, जो मार्शल का ऑनर मिला है उनको, कब मिला था? 2002 में रिपब्लिक डे पर। सैम हॉर्मुज़जी, फ्रेमजी, जमशेदजी, मानेक शोएन, के एम कैरियप्पा वेर द ओनली टू आर्मी जनरल्स ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। यानी इनके अलावा, अरजान सिंह के अलावा जो दो और थे इंसान जिनको फील्ड मार्शल का रैंक मिला था, वो थे सैम हॉर्मुज़जी, फ्रेमजी, जमशेदजी, मानेक शॉ, ये एक नाम है, और दूसरा है के एम कैरियप्पा। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये दो और थे अरजान सिंह के अलावा जिनको फील्ड मार्शल का रैंक मिला था। नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सिंह वॉज नॉट ओनली अ फ्यूलेस पायलट बट ऑल्सो हैड प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट एयर पावर एंड अप्लाइड इट इन अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज। अभी अरजान सिंह के बारे में जो भी लोग जानते हैं वो ये कहते हैं कि अरजान सिंह जो है वो कम बोलते थे, ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, कम बोलते थे और काम ज्यादा करते थे, और वो फ्यूलेस पायलट तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ उनको जो एयर पावर का जो नॉलेज था और वो नॉलेज जो अप्लाई करते थे अपने काम में, अपने अलग अलग कामों में, वो बहुत ही बढ़िया काम था। यानी कि ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बहुत कम बोलते थे, एंड ये फ्यूलेस पायलट होने के साथ साथ उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज भी थी एयर पावर के बारे में, और इसी नॉलेज को वो अप्लाई भी करते थे बहुत अलग अलग एरियाज में, वाइड स्पेक्ट्रम मतलब वाइड रेंज ऑफ एरियाज। जैसे एयरफोर्स के कोई एक ही काम नहीं होता है, एयरफोर्स का सिर्फ लड़ाई करना ही काम नहीं होता, एयरफोर्स के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन भी एयरफोर्स का काम होता है, या कभी कभी कुछ सप्लाईज करना रहता है कहीं पर तो भी एयरफोर्स का काम होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज, बहुत सारे जगहों पे इन्होंने अपने नॉलेज को, एयर पावर की नॉलेज को अप्लाई किया था मार्शल ने, अरजान सिंह ने। सिंह हैड एसिडुअसली लेड द IAF ड्यूरिंग द 1965 वॉर एंड डिनाइड सक्सेस टू पाकिस्तानी एयरफोर्स दो इट वॉज बेटर इक्विप्ड विद अमेरिकन सपोर्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब 1965 में पाकिस्तान के साथ में इंडिया का वॉर हुआ था, उस वक्त सिंह ने बहुत ही मेहनत की थी हर एक छोटी से छोटी बारीकी पर, जो अभी हाँ फाइटिंग करना है, एयरक्राफ्ट को फाइट करना है दुश्मन के साथ में, तो बहुत सारी बारीक बारीक डिटेल्स होती है जिस पर काम करना रहता है, नहीं तो छोटी सी एक मिस्टेक पूरा काम किया कराया पे पानी फेर सकते हैं। तो इसी का मतलब होता है एसिड्यूअसली, एसिड्यूअसली मतलब वर्किंग हार्ड विथ माइन्यूट डिटेल्स। तो सिंह हैड एसिड्यूअसली लेड द IAF, IAF को उन्होंने लीड किया और बहुत बारीक
बारीक काम पर उन्होंने ध्यान दिया 1965 वॉर के दौरान, और इसीलिए उस वक्त पाकिस्तान जो थे हालांकि इंडिया से मजबूत स्थिति में था, उनकी जो पावर थी इंडिया के मुकाबले ज़्यादा थी एयर पावर, लेकिन फिर भी इनके लीडरशिप के अंडर में जो फाइट हुई वो उन्होंने पाकिस्तानी वॉरशिप्स को किसी भी तरीके से जीतने नहीं दिया। भले ही पाकिस्तान वॉरशिप के पास अमेरिकन लोगों का सपोर्ट था, लेकिन इनकी काबिलियत के वजह से, इनके लीडरशिप के वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स को ये वॉर हारना पड़ा, मतलब उनको हार का सामना करना पड़ा। तो हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ड्यूरिंग दैट वॉर, सेड कक। तो कपिल कक ये भी कहते हैं कि जो बढ़िया काम उन्होंने किया है, सबसे बढ़िया काम जो उनका है, इस 1965 वॉर के दौरान हमें दिखाई दिया है। तो ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है वो है उनके जो इनके बारे में, अरजान सिंह के बारे में। जैसे एक फियरलेस पायलट तो थे ही, और एक आउटस्टैंडिंग पायलट है वो ऊपर हमने देखा। उसके अलावा ही हैड प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ एयर पावर, ये भी एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो अबाउट हिम, क्वालिटीज ऑफ अरजान सिंह, दैट ही हैड प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ एयर पावर और एंड अप्लाइड इट इन अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज, ये आप एक साथ में ही लिख सकते हो। कमेंडिंग हिज रोल इन द वॉर, वाई बी चौहान द देन डिफेंस मिनिस्टर हैड रिटन, एयर मार्शल अरजान सिंह इज अ ज्वेल ऑफ अ पर्सन, क्वाइट एफिशियंट एंड फर्म, अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। अब कमेंडिंग हिज रोल इन द वॉर, इस वॉर में 1965 वॉर में जो रोल प्ले किया था, मतलब जो काम किया था, जो लीडरशिप की थी अरजान सिंह ने, उसके बाद में वाई बी चौहान जो उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने लिखा है कि एयर मार्शल अरजान सिंह जो है वो एक हीरा है, ही इज अ ज्वेल ऑफ अ पर्सन, वो एक हीरा है, क्वाइट एफिशियंट और वो बहुत ही एफिशियंट है, काबिल है, एफिशियंट मीन्स काबिल, एंड फर्म और मजबूत है, अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। अनएक्साइटेबल है, वो अपनी खुशी जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ही एबल लीडर है, जीत की खुशी इतनी जाहिर नहीं करते, ज्यादा खुशियां नहीं मनाते, प्राइड फील नहीं करते, लेकिन बहुत ही एबल लीडर है। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज दे आर मेंशन्ड बाय वाई बी चौहान। व्हाट इज हाउ इज ये आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट अबाउट एयर मार्शल, द क्वालिटीज ऑफ एयर मार्शल अरजान अकॉर्डिंग टू वाई बी चौहान। वाई बी चौहान उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके हिसाब से एयर मार्शल अरजान सिंह क्या था, ही वॉज अ ज्वेल ऑफ अ पर्सन, क्वाइट एफिशियंट एंड फर्म, अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। तो ये सारे अनएक्साइटेबल, वेरी एबल लीडर, क्वाइट एफिशियंट, फर्म, ज्वेल ऑफ अ पर्सन, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू वाई बी चौहान। इन 1944 द मार्शल हैड लेड अ स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जैपनीज ड्यूरिंग द अराकन कैंपेन, फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग द क्रुशियल इम्फाल कैंपेन एंड लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ द अलाइड फोर्सेस टू द यंगून, फॉर्मरली रंगून। अब यहां पर हम बात करते हैं 1944 के दौरान में। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्क्वाड्रन। स्क्वाड्रन का मीनिंग होता है दो या दो से ज्यादा फ्लाइट्स को एक साथ में चलाना। ऑफकोर्स एक लीडर होगा और बाकी के सब उनको फॉलो करेंगे। सो 1994 में मार्शल ने ये एक स्क्वाड्रन को लीड किया था, मतलब दो से ज्यादा एयरक्राफ्ट थी जिनको लीड किया था। और कब लीड किया था, जब अरक्कन कैंपेन, अरक्कन जो है आपका आ जाता है, अरक्कन में आपको बताऊं बर्मा में आता है, अरक्कन यहाँ पे नहीं है, म्यांमार जो हम बोलते हैं आज का म्यांमार, बर्मा, ये अरक्कन कैंपेन वहां पर है। उस वक्त म्यांमार के साथ इंडिया की फ्रेंडशिप थी, तो म्यांमार पे जब जापानीज लोगों ने अटैक किया था तो म्यांमार को हेल्प करने के लिए, जापानीज एयरक्राफ्ट से फाइट करने के लिए हमारे यहां से हेल्प गई थी, हमारे एयरक्राफ्ट गए थे जिन्हें लीड किया था मार्शल ने, ठीक है। तो ये अरकन कैंपेन के दौरान जापानीज के खिलाफ स्क्वाड्रन को लीड किया था मार्शल ने, फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशंस ड्यूरिंग द क्रुशियल इम्फाल, और प्लस इम्फाल भी, जब इम्फाल को भी बचाना था, इम्फाल हमारे इंडिया में ही आता है जो कि कैपिटल ऑफ मणिपुर है, इम्फाल को भी जब प्रोटेक्ट करना था जापानीज इन्वेशन के दौरान, तब भी उन्होंने हेल्प किया था एंड लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ द अलाइड फोर्सेस टू यंगून। और फिर बाद में यंगून, जो आज की तारीख में रंगून कहा जाता है, ये भी एक फॉरेन म्यांमार में ही है, तो वहां पर उन्होंने असिस्ट किया था अलाइड फोर्सेस को, मतलब जो फ्रेंड्स थे उन अलाइड फोर्सेस, मतलब हमारे फ्रेंड्स ही थे, उनको हेल्प किया था फाइट करने के लिए दुश्मनों के साथ में। इन रिकग्निशन ऑफ हिज फीट ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस डीएफसी
ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट। यानी कि ये जो 1944 के वॉर जो उन्होंने लीड किया था स्क्वाड्रन को जापानीज के खिलाफ म्यांमार में और अरक्कन में और यंगून में, तो ये सब जो उन्होंने किया था 1944 में, उसके चलते उनको ये एक अवार्ड दिया गया था, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस। ये एक अवार्ड है जो एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं, लीड करते हैं, उनके लिए है। और ये उनको ऑन द स्पॉट वहीं पर फाइट के दौरान ही दिया गया था। किसने दिया था? सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया के सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी पोस्ट पर जो थे कमांडर फ्रेंड हमारे, उन्होंने दिया था इनको, जो कि द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट। और अरजान सिंह पहले इंडियन पायलट थे जिनको ये डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस का अवार्ड मिला था। सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स RAF क्रैनवेल इन 1938 व्हेन ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड। ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1969। यानी कि जब सिंह सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड के थे तब उनका सिलेक्शन हो गया था एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए, जिसे हम RAF भी कहते हैं। RAF यानी कि रॉयल एयरफोर्स, जो कि इंग्लैंड में सिचुएटेड है, क्रैनवेल इंग्लैंड में आता है। ये 1938 की बात है, और तब से लेकर वो रिटायर हुए 1969 में, यानी कि ऑलमोस्ट 31 इयर्स उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को दिया है। और 31 इयर्स तो सर्विस में दिया है, 31 इयर्स के बाद में भी उन्होंने सर्विस दी है। अब यहाँ पर उनके लाइफ का, कब बॉर्न हुए और कैसे कैसे क्या क्या उनको अवार्ड्स मिले, सब पूरा लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा उसको अवार्ड मिला था, फर्स्ट ये जो पैराग्राफ है डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस का, और किसने दिया था, सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, वो पहले इंडियन पायलट थे जिनको ये मिला था। उनको सिलेक्ट किया था एम्पायर पायलट ट्रेनिंग के लिए RAF क्रैनवेल, जब वो सिर्फ 19 साल के थे 1938 में, और वे रिटायर कौन से ईयर में हुए, 1969 में। सिंह वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 15, 1919 को वो बॉर्न हुए थे। और कहाँ पर बॉर्न हुए थे, लियालपुर में, जो आज की तारीख में फैजलाबाद पाकिस्तान में है। एंड कम्प्लीटेड इज एजुकेशन एट मॉन्टगोमेरी। तो उनकी स्कूल कौन सी थी, एजुकेशन कहाँ पर कम्प्लीट किया था, मॉन्टगोमेरी में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, जिसका नाम अभी सहीवाल है। उनका पहला असाइनमेंट ऑन बींग कमीशन वॉज टू फ्लाई वेस्टलैंड वापिती बाय प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एज अ मेंबर ऑफ द नंबर 1 RIAF स्क्वाड्रन। तो सबसे पहला काम उनका दिया गया था, मतलब पहला काम जो उनके करियर में उनको आया था वो ये था, जो फ्लाई वेस्टलैंड, मतलब उनको वेस्टलैंड की तरफ उड़ना था, क्या लेकर, वापिती बायप्लेन्स। बायप्लेन्स क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैविंग टू पेयर्स ऑफ विंग्स वन अबाउ द अदर। यानी पुराने टाइप का एयरक्राफ्ट है जिसमें दो विंग्स है, एक के ऊपर एक, इसीलिए उनको बायप्लेन्स कहते हैं। तो पहला असाइनमेंट उनका था ऑन बींग कमीशन, मतलब ऑथोरेटिव में आने के बाद, पावर में आने के बाद में उनको जो पहला असाइनमेंट दिया गया था वो था वेस्टलैंड वापिती उड़ना बाय प्लेन्स में, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पे आ जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस मतलब हमारा राजस्थान के आगे पाकिस्तान जो भी आता है उस तरफ। एंड एज अ मेंबर ऑफ द नंबर 1 RIAF स्क्वाड्रन। और वो क्या क्या थे उस वक्त, मेंबर ऑफ RIAF यानी कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन, उसके ये मेंबर थे, तब उनको ये पहला काम दिया गया था यहाँ पे। आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट विद द न्यूली फॉर्म्ड नंबर 2 RIAF स्क्वाड्रन, वेयर द मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्सेस, ही लेटर मूव्ड बैक टू नंबर 1 स्क्वाड्रन एज अ फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई द हॉकर हुरिकेन। ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944। तो आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट, आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्क। जब पहले तो सबसे पहला काम तो उनका था नंबर 1 RIAF स्क्वाड्रन के साथ में काम करना, ठीक है। दूसरा, जब उन्होंने नंबर 2 RIAF स्क्वाड्रन ज्वाइन किया तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने काम किया, नंबर 2 RIAF में थोड़ा काम करने के बाद में वो वापस से अपने पहुंचे नंबर 1 स्क्वाड्रन में, जो पहले जहां पर उन्होंने प्लेन उड़ाई थी, और वहां पर उन्होंने उड़ाया हॉकर हुरिकेन। हॉकर हुरिकेन ये एक रेस्क्यू टीम के लिए यूज किया जाता है, एज अ रेस्क्यू टीम के लिए यूज किया जाता है। ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944, और इसी वजह से उनको बाद में एक स्क्वाड्रन लीडर बना दिया गया था, क्योंकि बहुत एबली उन्होंने ये हॉकर हुरिकेन उड़ाया था। ये सब चीजें उड़ाना आसान नहीं है, जो उड़ाता है उन्हीं को पता चलता है। आप ये जो नाम यहाँ पे दिया गया है, जैसे बाई प्लेन है, हॉकर हुरिकेन है, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इनके इमेजेस दिख जाएंगे।
ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर, तो 1944 में उनको स्क्वाड्रन लीडर बना दिया गया था। तो पहले वो सिर्फ एक RIAF पायलट थे, फिर बाद में उनको स्क्वाड्रन लीडर बना दिया गया था। फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस इन 1944। अब वापस से उनको एक डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस का अवार्ड दिया गया था 1944 में, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली ये स्क्वाड्रन को लीड किया था एक फाइट में। कॉम्बैट मतलब एक फाइट में, एक फाइट में उन्होंने सक्सेसफुली लीड किया था स्क्वाड्रन को। स्क्वाड्रन मीन्स दो या दो से ज्यादा एयरप्लेन्स। तो इसी वजह से उनको ये अवार्ड मिला था 1944 में। तो ऑन August 15, 1947 यानी कि ऑन द डे ऑफ अवर इंडिपेंडेंस ही अचीव द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग अ फ्लाई पास्ट ऑफ ओवर 100 IAF एयरक्राफ्ट ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली। फ्लाई पास्ट मतलब एक सेरेमोनियल फ्लाइट बोलते हैं ऑफ एयरक्राफ्ट पासिंग ओवर अ प्लेस, सलामी देना। तो इतने सारे एयरक्राफ्ट एक साथ में एक जगह के ऊपर से जब उड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लाई पास्ट। तो रेड फोर्ट दिल्ली पर जब इंडिपेंडेंस डे पहला जो हम मना रहे थे, फ्रीडम हमारा फर्स्ट डे, तो उस वक्त ये ऑनर उनको दिया गया था एज अ लीडर। उस फ्लाई पास्ट को उन्होंने लीड किया था, 100 के करीब IAF उन्होंने उड़ाए थे अपने लीडरशिप के अंडर में रेड फोर्ट से। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट द UK। अब वो विंग कमांडर बन गए। कौन बन गए? मतलब स्क्वाड्रन लीडर के बाद में अब वो कौन बन गए? विंग कमांडर। देखो ये एक किस तरह से हायरकी उनका चल रहा है। उनको फिर प्रमोशन मिला स्क्वाड्रन लीडर के बाद में और वो विंग कमांडर बन गए। ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट द UK। अब विंग कमांडर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। विंग कमांडर एक रैंक है ऑफिसर का RAF में, जो स्क्वाड्रन लीडर से ऊपर है लेकिन ग्रुप कैप्टन से नीचे है। यानी स्क्वाड्रन लीडर से थोड़ा सा ऊपर है और ग्रुप कैप्टन से थोड़ा सा नीचे है, ये है विंग कमांडर। तो विंग कमांडर बनने के बाद में उन्होंने रॉयल स्टाफ कॉलेज अटेंड किया UK में, और इमिडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ही कमांडेड अम्बाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। और इंडिपेंडेंस के बाद में जब उन्होंने वो फ्लाई पास्ट उड़ाया, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद में इमिडिएटली जब अम्बाला में उन्होंने काम किया तो उनको रैंक दे दिया गया ग्रुप कैप्टन का। जैसे मैंने बोला ना, विंग कमांडर ग्रुप कैप्टन से थोड़ा सा नीचे है, स्क्वाड्रन लीडर से थोड़ा सा ऊपर है, तो फिर बाद में उनको ये ग्रुप कैप्टन का भी पोस्ट मिल गया। इन 1949 ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमोडोर। अब ग्रुप कैप्टन के बाद में वो क्या बन गए? एयर कमोडोर। एयर कमोडोर का मतलब क्या होता है? रैंक ऑफ ऑफिसर इन RAF अबाव ग्रुप लीडर एंड बिलो एयर वाइस मार्शल। मतलब अब ये ग्रुप लीडर के ऊपर है, ग्रुप कैप्टन के ऊपर है, लेकिन एयर वाइस मार्शल के नीचे है। तो एयर कमोडोर का उनको मिल गया रैंक। एंड टुक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग, AOC, एयर ऑफिसर कमांडिंग। अब वो एयर ऑफिसर कमांडिंग बन गए ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड विच लेटर केम टू बी नोन एज वेस्टर्न एयर कमांड। मतलब एक ऑलरेडी एक कमांड है, या बोल सकते हो एक पोर्ट है जहां पर सारी फ्लाइंग क्राफ्ट स्टेशन रहती है, और वो उनको पूरी तरीके से उनके अंडर में है, दैट इज एयर ऑफिसर कमांडिंग। ठीक है, ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड यानी एक वर्किंग यूनिट के साथ में वो उनके लीडर थे, और बाद में ये जो वर्किंग यूनिट है इट लेटर गेम टू बी नोन एज द वेस्टर्न एयर कमांड। इसे वेस्टर्न एयर कमांड का नाम दिया गया। सिंह हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज एन AOC। तो ये एयर ऑफिसर कमांडिंग जो ये थे, लॉन्गेस्ट टेन्योर अरजान सिंह ने दिया है अभी तक, मतलब सबसे ज्यादा समय एज एन AOC इन्होंने काम किया है ऑफ एन ऑपरेशनल बेस। और किसी भी काम करने वाले बेस से AOC बने हुए वो बहुत लंबा समय उन्होंने बिताया है। तो सबसे पहला जो टाइम था उन्होंने बिताया है 1949 से 1952 तक इंडिपेंडेंस के बाद में, तो पहला ये 50, 51, 52 तीन साल यहाँ पे थे, और फिर उसके बाद में वापस से 1957 से 1961 तक, मतलब चार साल। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल ही वॉज अपॉइंटेड एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। यहाँ पे दिया हुआ है AOC इन सी का मतलब एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। तो अब ये सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले एयर ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं। इसके बाद में उनका प्रमोशन हुआ वापस से एयर वाइस मार्शल,
ठीक है, एयर कमोडोर यहाँ पे मैंने बोला था, एयर वाइस वाइस मार्शल से थोड़ा सा नीचे। तो जब इन्होंने ये एयर ऑफिसर कमांडिंग का जब उनको पोस्ट मिला था, तो इन्होंने जब सर्व किया था तो उसके बाद में उनको एयर वाइस मार्शल का पोस्ट पे बढ़ा दिया गया था, एंड उनको अपॉइंट किया गया था एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। अब ये एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हो गए थे, मतलब अभी सबसे ऊपर ये सबको कमांड करेंगे, एवरीवन इवन स्टाफ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 1962 वॉर ही वाज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963। अब 1962 में जो वॉर चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर, मतलब करीब करीब जब वॉर एंड होने आ रहा था, तब उनको अपॉइंट किया गया था एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। यानी एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ तो थे, उसके बाद में वो बन गए डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एंड देन ही बिकेम द वाइस चीफ। डेप्यूटी के बाद में ऊपर आता है वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963। ही वॉज अ ओवरऑल कमांडर ऑफ द ज्वाइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा। अब जो पूरा जितना भी ज्वाइंट एयर ट्रेनिंग है, सब जगह पे जहां पर भी एयर ट्रेनिंग दी जाती है जिसका नाम है शिक्षा, तो ये सबके चीफ थे। एंड इट वॉज हेल्ड बिटवीन IAF, RAF एंड RAAF, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। IAF इज इंडियन एयरफोर्स, RAF इज रॉयल एयरफोर्स, एंड RAAF इज रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। ये जितने भी एयर फोर्सेस है, इन सबको ट्रेन करने का काम, ट्रेनिंग एक्सरसाइज देने का काम इनके अंडर में था, और उस चीज का नाम था शिक्षा। ऑन August 1, 1964, इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल, द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स सरजान सिंह टुक ओवर द रेन्स ऑफ IAF एट ए टाइम वेन इट वॉज स्टिल रीबिल्डिंग इट सेल्फ एंड वॉज गियरिंग अप टू मीट न्यू चैलेंजेस। तो फाइनली ऑन August 1, 1964, इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल, मतलब जो हाइएस्ट रैंक्स होते हैं, इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल, द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अरजान सिंह टुक ओवर द रेन्स ऑफ IAF। यानी कि एज एन एयर मार्शल अरजान सिंह ने IAF के पूरे कंट्रोल्स अपने हाथ में लिए ऑन August 1, 1964। और ये वो समय था जब अब उस वक्त भी एयरफोर्स जो है अपने आप को बिल्डअप कर रहा था, रेडी कर रहा था अपने आप को नए चैलेंजेस मीट करने के लिए। गियरिंग अप मीन्स गेटिंग रेडी टू मीट न्यू चैलेंजेस। तो ये IAF भी अपने आप को रीबिल्ड कर रहा था, और उस वक्त अरजान सिंह ने जो है एज एन एयर मार्शल, मतलब हाईएस्ट पोजीशन जो है, उन्होंने कंट्रोल रेंस, मतलब टू टेक ओवर कंट्रोल ऑफ IAF। सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी टिल हिज CAS रैंक। अब चीफ जो थे अरजान सिंह जो थे, वो पहले ऐसे एयर चीफ थे जो अप टू डेट थे अपने फ्लाइंग स्किल्स से। अब फ्लाइंग करेंसी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, फ्लाइंग करेंसी मतलब अप टू डेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। मतलब उस दिन तक, उस डेट तक जितने भी डेवलपमेंट्स आए हैं, उन सभी डेवलपमेंट से अपने आप को अप टू डेट रखा है अरजान सिंह ने। सो ही वॉज द फर्स्ट एयर चीफ, वो पहले ऐसे एयर चीफ थे जो अप टू डेट थे टिल हिज CAS रैंक, हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर टू एरा बाय प्लेन्स टू द मोर कंटेम्प्रोरी गैट्स एंड वेम्पायर्स। ही हैज ऑल्सो फ्लोन इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक द सुपर कॉन्स्टेलेशन। यानी कि उन्होंने 60 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप की एयरक्राफ्ट उड़ाई है, जो प्री वर्ल्ड वॉर टू से, यानी वर्ल्ड वॉर टू के पहले से जो एयरक्राफ्ट है, जैसे कि बाय प्लेन्स, और उनसे लेकर मोर कंटेम्प्रोरी, कंटेम्प्रोरी मतलब आज के प्रेजेंट एरा में जो एयरक्राफ्ट अवेलेबल है वो है गैट्स एंड वेम्पायर्स, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इन सब के अलावा ही हैज ऑल्सो फ्लोन इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उन्होंने चलाई है, जैसे कि सुपर कॉन्स्टेलेशन, यानी कि हैवी से हैवी चीजों को वो कैरी करते हैं। इन 1965 व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड इट्स ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम विद एन आर्मोर्ड थ्रस्ट टारगेटेड एट द वाइटल टाउन ऑफ अखनूर, सिंह लेड द IAF थ्रू द वॉर विद करेज, डिटर्मिनेशन एंड प्रोफेशनल स्किल। अब 1965 में पाकिस्तान वालों ने एक लॉन्च किया फाइट हमारे ऊपर ग्रैंड स्लैम नाम का, और ये पूरे के पूरा आर्मर्ड थ्रस्ट था, मतलब पूरा का पूरा हथियारों से जो फाइट कंटिन्यूस नॉन स्टॉप होती रहती है वो था, जो टारगेट किया था उन्होंने एक वाइटल टाउन ऑफ अखनूर को। अब अखनूर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का एक सिटी है, तो जम्मू एंड कश्मीर के उस सिटी को, अखनूर को उन्होंने टारगेट बना रखा था पाकिस्तानी लोगों ने। तो सिंह ने उस वक्त ही लेड द IAF थ्रू द वॉर, मतलब इंडियन एयरफोर्स को उन्होंने लीड किया इस वॉर में
पूरे करेज के साथ, बहादुरी के साथ, डिटर्मिनेशन एंड प्रोफेशनल स्किल, पूरे अप टू डेट अपने नॉलेज को यूज करते हुए, एंड ही इंस्पायर्ड IAF टू विक्ट्री, और ये IAF को विक्ट्री की तरफ वो लेके गए। डिस्पाइट द कॉन्स्टेंट्स इम्पोज ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर, मतलब ये किस वक्त लेके गए विक्ट्री की तरफ, उस वक्त जब बहुत सारे लिमिटेशंस थे एयरफोर्स के ऊपर, एयर पावर पूरी तरह से यूज नहीं करना उसके ऊपर, कि एयर पावर है तो क्या हुआ, यूज नहीं करना है, लिमिटेड यूज करके भी उन्होंने विक्ट्री पाई। सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज एस्ट्यूट लीडरशिप ऑफ द एयरफोर्स ड्यूरिंग द वॉर। अब सिंह जो है उनको इतना परफेक्ट उन्होंने अपना लीडरशिप दिया था, शार्प और इंटेलिजेंट जो माइंड था उनका ये लीड करने में, अपने लोगों को गाइड करने में, उसके वजह से उन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया। तो व्हाट वाज द अवार्ड गिवन टू हिम, पद्म विभूषण। सब्सिक्वेंटली इन रिकॉग्निशन ऑफ द एयर फोर्सेस कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द वॉर, द रैंक ऑफ द CAS इज चीफ ऑफ द एयर स्टाफ वॉज अपग्रेडेड एंड अरजन सिंह बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। यानी कि जब उन्होंने ये वॉर में जीत दिलाई तो उनको उनके काम को रिकॉग्नाइज करते हुए, एयर फोर्स में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था उस बात को मद्देनजर रखते हुए उनको ये रैंक मिला CAS का, दैट इज चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। CAS मतलब चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, और उनको अपग्रेड किया गया उनके इस, एंड अरजन सिंह बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। और जब वो अपग्रेड हुए तो ये पहले चीफ मार्शल बने इंडियन एयर फोर्स के। He remained a flyer to the end of his tenure in IAF, visiting forward bases and units and flying with the squadrons. जितना भी उन्होंने सर्व किया है IAF में वो एक फ्लायर ही रहे एंड तक, यानी कि वो हर तरह के एयरक्राफ्ट को उड़ाते रहे और वो विजिट करते रहे फॉरवर्ड बेसिस को, जहां जहां पर भी बेस है, जहां पर ट्रेनिंग होती रहती है स्क्वाड्रंस की, पायलट्स की ट्रेनिंग होती रहती है, वहां वो विजिट करते रहते थे एंड यूनिट्स मतलब और लोगों से मिलते रहते थे, एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रंस और स्क्वाड्रंस के साथ फ्लाई भी करते थे उनको ट्रेनिंग देते हुए। ही रिटायर्ड इन अगस्त 1969 और वो रिटायर हुए 1969 में, अगस्त 1969 में। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया था एम्बेसडरशिप टू स्विट्जरलैंड। तो व्हाट टू थिंग्स ही एक्सेप्टेड आफ्टर हिज रिटायरमेंट, दैट इज ही एक्सेप्टेड द एम्बेसडरशिप टू स्विट्जरलैंड एंड ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली का गवर्नर उन्होंने सर्व किया है फ्रॉम दिसंबर 1989 टू दिसंबर 1990। हैविंग बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस थ्रू द इयर्स, द गवर्नमेंट कन्फर्ड द रैंक ऑफ द मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अपॉन अरजन सिंह इन जनवरी 2002, मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड द ओनली 5-स्टार रैंक ऑफिसर विद इंडियन एयर फोर्स। तो वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे सभी के लिए, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस थे, पर्सनल थे, सभी के लिए वो एक फोर्स इंस्पिरेशन थे। उनके काम को देखा, लोग देखते थे उनके काम की तरफ और कहते थे वह क्या काम किया है, और गवर्नमेंट ने इसी वजह से उनके ऊपर ये रैंक उनको दिया है मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और जनवरी 2002 में, और ही वाज द ओनली फर्स्ट एंड ओनली 5-स्टार रैंक ऑफिसर विद द इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स में वो इकलौते 5-स्टार रैंक वाले ऑफिसर थे। तो ये था अचीवमेंट अरजन सिंह का, मार्शल अरजन सिंह का, बहुत ही ब्रेव, बहुत ही बहादुर, बहुत ही टैलेंटेड, स्किल्ड, अप टू डेट रहने वाले और बहुत ही कम बोलने वाले, फियरलेस। तो बहुत सारे इनकी बढ़ाइयां हैं, जितना करें उतना कम है। ये चैप्टर मेरा यही खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और होमोग्राफ और होमोफोन्स के लिए स्पेशली एक वीडियो जल्द ही बनाने वाली हूँ, वो भी मैं आपको दे दूंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।